उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो। सर्वज्ञं सर्वतत्त्वार्थ स्याद्वाद न्यायदेशिनं श्रीवर्धमानमभ्यर्च्य वक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयम्। प्रणम्य सर्वविज्ञान महास्पद्मुरुश्रियं निर्धूतकल्मषं वीरम् वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में दो श्लोकों का पाठ किया है। एक श्लोक तो सिद्धि विनिश्चय का मंगलाचरण है और दूसरा श्लोक तत्त्वार्थवार्तिक का मंगलाचरण है। सिद्धि विनिश्चय का मंगलाचरण इसलिए पढ़ा क्योंकि उसका विषय हम कल पूर्ण करके चुके हैं, तो वो थोड़ा सा दोहराया जाए, उस पर हमारा ध्यान बना रहे इसलिए किया। और तत्त्वार्थवार्तिकम का मंगलाचरण इसलिए पढ़ा क्योंकि आज हमें उसका स्वाध्याय करना है। दो चीज है, कल को और आज को जोड़ने की कोशिश है, इसलिए ये दो मंगलाचरण के श्लोक सुनाए। और एक और खास बात है कि इन दोनों मंगलाचरणों में बहुत गहरी समानता है। दोनों मंगलाचरण आपको लगेगा एक जैसे है, कोई खास फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। खासकर नैयायिकों के मंगलाचरण कुछ इसी तरह के होते हैं। मैंने कई बार चर्चा की है कि जैन दर्शन में, जैन न्याय में व्यक्ति को नहीं गुणों को ज्यादा महत्व दिया है और गुण में भी इन तीन गुणों को ज्यादा महत्व दिया है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। इसलिए कल वाले श्लोक में भी ये तीनों गुण थे और आज वाले श्लोक में भी ये तीनों गुण है। और एक समानता ये भी है कि कल वाले श्लोक में भी महावीर भगवान को नमस्कार किया था और आज वाले श्लोक में भी महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है। ये भी कुछ विशेष बात है कि जितने भी न्याय ग्रंथ हैं, उनमें से अधिकांश न्याय ग्रंथ भगवान महावीर की स्तुति के रूप में है। हमने आप्तमीमांसा पढ़ा था तो वो भी महावीर भगवान की ही स्तुति थी वास्तव में। और फिर जब वही महावीर भगवान की स्तुति थी तो उसके जितने भी टीका ग्रंथ हैं, अष्टसती, अष्टसहस्री आदि, वे भी महावीर भगवान की स्तुति रूप ही हो गए। यानी मैं कुछ बातों से बहुत प्रभावित हो रहा हूं। एक तो ये बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं
24 तीर्थंकरों में भी महावीर भगवान की स्तुति विशेष रूप से की गई। जैन नैयायिकों ने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया कि जो हमारे वर्तमान शासन नायक है भगवान महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं, लेकिन वो इस समय हमारे नायक वही हैं। धर्म तीर्थ इस समय उनका ही चल रहा है। इस समय हम जिस धर्म तीर्थ में जी रहे हैं, जिनके धर्म तीर्थ में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वे मूल तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, वर्धमान है, सन्मति है, पांच नामों से जाने जाने वाले हैं। तो और जितने और एक बात ये भी बहुत मुझे विचार में आती रहती है कि जब जब धर्म में विकृतियां आई है तो ऐसा लगता है वो भी स्तुतियों के ही माध्यम से आई है, और जब जब धर्म का परिष्कार हुआ है तो वो भी स्तुतियों के माध्यम से ही हुआ है। फिर से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि धर्म में विकृतियां आ जाती है तो उसका भी निमित्त बनती हैं ज्यादातर ये स्तुति साहित्य, भक्ति साहित्य। भक्ति स्तुतियां विकृत होने लगती हैं तो सारा समाज विकृत हो जाता है, पूरा का पूरा संप्रदाय विकृत हो जाता है। और जब भक्ति स्तुतियां परिष्कृत की जाने लगती हैं, उनको सुधारा जाता है, तो सारा दर्शन परिष्कृत होने लगता है। भक्ति स्तुति कोई छोटी चीज नहीं है। जिस भक्ति स्तुति को हमने बहुत साधारण बात समझ रखी है, जिस पूजा पाठ को हमने बहुत छोटी बात समझ रखी है, वो बहुत छोटी बात नहीं है। उसके कारण आप धर्म को बना भी सकते हैं, आप बिगाड़ भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात, जैसे छोटा सा ही उदाहरण, एक क्या मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जैसे मंदिर में अभिषेक का क्या स्वरूप है, भगवान का सुबह पर पहली दिनचर्या मानी जाती है धर्म की अभिषेक। अब इसको लेकर के ही, इसको विकृत करके ही कितनी विकृतियां समाज में देखी जा रही है। माने वो जो वास्तव में भगवान का अभिषेक है, वो वास्तव में अभिषेक है ही नहीं, वो तो प्रक्षाल है। लेकिन उसको सबसे पहले अभिषेक नाम से सज्जित किया लोगों ने। अभिषेक तो राज्याभिषेक या जन्माभिषेक ही होता है, जिन प्रतिमा का अभिषेक अभिषेक नहीं होता। लेकिन उसको पहले तो शब्द दिया, प्रक्षाल की जगह उसे अभिषेक शब्द दिया। अब हमने चलो उदारता के लिए इसको स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, क्या बहस करना, क्यों लड़ना, कैद देने दो। हम उसको उपचार से स्वीकार करते हैं, लेकिन वो तो उंगली पकड़ के पोछा पकड़ते हैं, और फिर दुनिया भर की विकृतियां उस अभिषेक से ही जन्म ले लेती हैं। और जब फिर से उसका परिमार्जन शुरू होता है तो फिर विकृतियों का परिमार्जन होने लगता है। पूजा पाठ भक्ति स्तुति आदि रूप जो कृति कर्म है, जो धर्माचरण है, धार्मिक विधि विधान है, वो दर्शन के विकास का भी कारण बनता है और दर्शन के विनाश का भी कारण बनता है, दर्शन के उत्थान का भी कारण बनता है और दर्शन के पतन का भी कारण बनता है। इसीलिए समंत भद्र की स्तुतियां बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, और जिन लोगों ने उसे समझा, पंडित दौलत राम जी छह डाला वाले, उन्होंने उसे पहचाना, तो उनकी स्तुतियां, उनके पद देखो वैसे ही बने हुए हैं।
तो वो उस प्रकृति को, जैन दर्शन की भक्ति स्तुति की प्रकृति को तो खासकर बहुत जरूरी है समझना, वरना जैन दर्शन में तेजी से विकृतियां प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए यहाँ ये भी बात ध्यान देने की रही कि कहने को कहाँ भक्ति और कहाँ न्याय, लेकिन जैन आचार्यों ने, जैन नैयायिकों ने भक्ति और न्याय को मिलाकर प्रस्तुत किया। सीधा न्याय ग्रंथ लिखने की बजाय भक्ति की चाशनी में लपेट करके न्याय ग्रंथ प्रस्तुत किया। तो वही बात थोड़ी ध्यान देने की है। और कल के मंगलाचरण की चर्चा तो हम लोग खूब कर चुके, अब हम तत्वार्थ वार्तिक के मंगलाचरण का अर्थ करते हैं। आचार्य अकलंक देव की ये बहुत ही सबसे ज्यादा प्रधान, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ कोई है तो वो तत्वार्थ वार्तिकम है। आचार्य अकलंक देव के बहुमुखी व्यक्तित्व को उजागर करने वाला कोई प्रमाण है तो वो तत्वार्थ वार्तिकम है। प्रमाण संग्रह, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, लगी अस्त्र, अष्ट सती, 6 ग्रंथों में से 5 ग्रंथ इस बात को ही सिद्ध कर रहे थे कि वे एक अच्छे तार्किक हैं, वे एक अच्छे नैयायिक हैं। लेकिन ये ही एकमात्र ग्रंथ ऐसा है तत्वार्थ वार्तिकम जो सिद्ध करता है कि आचार्य अकलंक केवल नैयायिक नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ माने वे बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं, वे बहुत बड़े वैयाकरण भी है। राजवार्तिक में एक एक शब्द का जो व्याकरण व्युत्पत्ति, इसमें कई व्याकरण ग्रंथों के सूत्र उद्धृत कर किए गए हैं। ऐसा लगता है उन्होंने पाणिनि को, उन्होंने जैनेन्द्र आचार्य को, जैनेन्द्र वृत्ति पूज्यपाद आचार्य की संस्कृत व्याकरण को, तत्वार्थ वार्तिक के कुछ पन्ने तो ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई वैयाकरण ही से ही हमारा मिलना हो गया है। माने वो इतने बड़े वैयाकरण सिद्ध होते हैं। जब वे तीसरा चौथा अध्याय लिखते हैं तो मानो कोई भूगोल खगोल का विशेषज्ञ है, इतनी गहराई से वो 3 लोक का वर्णन करते हैं कि बहुत आश्चर्य होता है कि ये कोई तार्किक है या करुणानियोग का महापंडित है जिसको पूरे वात वलय से घिरा हुआ लोक कैसा दिखाई दे रहा है, हस्ता मलकवत। तो वो उनका रूप भी देखना हो तो इसमें दिखाई देता है। जब वे आश्रव बंद बंद तत्व का खासकर वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोमट सार कर्म कांड पढ़ाने वाला आ गया। कर्म की प्रकृतियों का, उनके सत्व बंद उदय स्थिति आदि का इतना सूक्ष्म, ऐसा लगता है जैसे अकलंक आचार्य अलग अलग मुद्रा धारण करके, जैसे एक ही कलाकार नाना प्रकार के रूप धारण करके मंच पर आता है, ऐसे आपको 8वां अध्याय पढ़ते समय लगेगा ही नहीं कि आप उन्हीं अकलंक को पढ़ रहे हैं जो सिद्धि विनिश्चय में खड़े थे। सिद्ध लगी अस्त्र वाले अकलंक है, ऐसा नहीं लगेगा। तो अकलंक आचार्य का बहुमुखी प्रतिभा देखनी हो, उनके कितने सारे रूप है, ऐसे ही जब आप 6ठा अध्याय पढ़ते हैं तो आपको लगेगा, 6ठा 7वां, तो आपको लगेगा रत्न करंड श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, मानो मूलाचार पढ़ रहे हैं।
माने एक साथ आपको मूलाचार वाले एक ही आचार्य जो चरणानुयोग में प्रखर पांडित्य रख रहा है, अणुव्रतों का, महाव्रतों का, 22 परिसहों का, मुनिचर्या का वर्णन करते हैं, तब एक अकलंक का व्यक्तित्व है। श्रावक धर्म उसकी पांच व्रतों की पांच पांच भावनाएं, पांच व्रतों के 12 व्रतों के पांच पांच 60 अतिचार, उन अतिचारों का वर्णन, जब माने ये राजवार्तिक। देखो एक बात और मुझे बड़ी प्रभावित करती है, वार्तिक ग्रंथ इस धरती पर सैकड़ों हैं और इसका नाम भी राजवार्तिक नहीं है, इसका नाम तत्वार्थ वार्तिक है। लेकिन ये इसकी कुछ महानता के कारण तत्वार्थ वार्तिक के नाम से कम और राजवार्तिक के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। आप दुनिया में जाओ, जगह जगह कई दफे ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं वो ज्ञानपीठ में नया बुक स्टॉल पर कोई बेचने वाला नया आता है, तो मैंने देखा कोई आता है, राजवार्तिक है क्या? तो वो बुक स्टॉल पर खरीदने वाला कहता है, राजवार्तिक नाम की कोई किताब तो हमारे मिलती नहीं, क्योंकि किताब का नाम तो तत्वार्थ वार्तिक है, लेकिन ये वार्तिक ग्रंथों का राजा है, श्रेष्ठ है, वार्तिक ग्रंथों में श्रेष्ठ होने के कारण ये राजवार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। और एक बात और, इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ वार्तिकम है, जैसा कि मंगलाचरण में अभी अपन ने श्लोक पढ़ा तो साफ साफ लिखा है, वक्षे तत्वार्थ वार्तिकम। सीधी सच्ची बात है कि अकलंक आचार्य को खुद इस ग्रंथ का नाम क्या प्रसिद्ध, क्या प्रिय है, क्या इष्ट है, उन्हें इसका नाम तत्वार्थ वार्तिक नाम ही इसका उनको इष्ट है। लेकिन वे खुद ही जब बीच बीच में अध्याय पूरे होते हैं तो जो समापन की प्रशस्ति लिखते हैं, पुष्पिका लिखते हैं, उसमें वे तत्वार्थ वार्तिक नहीं लिखते, बल्कि वे लिखते हैं इति तत्वार्थ वार्तिक व्याख्यानालंकार भाष्ये प्रथमाध्याय। देखो उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा तत्वार्थ वार्तिक, लेकिन जब पूरा किया, अध्याय पूरा होता है, 10 के 10 अध्यायों में जब पुष्पिका आती है, पुष्पिका समझ गए ना, एक होती है पुष्पिका, एक होती है प्रशस्ति, प्रशस्ति ग्रंथ के अंत में आती है और पुष्पिका ग्रंथ के मध्य में प्रकरण पूरा होने पर आती है। पहला अध्याय पूरा हुआ, दूसरा अध्याय पूरा हुआ, तीसरा अध्याय पूरा हुआ, तो जो पंक्ति आती है उसका नाम है, जैसे जैसे किसी पेड़ में फूल खिलता है फिर फल देता है, तो बीच बीच में फूल खिलते हैं, फूल उसको पुष्पिका कहते हैं, तो उस पुष्पिका में उन्होंने नाम दिया तत्वार्थ वार्तिक व्याख्यानालंकार भाष्ये। माने उन्होंने तत्वार्थ वार्तिक का खुद व्याख्यान भी लिखा है, उसको सजाया है, व्याख्यान अकेले वार्तिक नहीं लिखे हैं, ये ग्रंथ अकेला वार्तिक होता तो इसमें सिर्फ वार्तिक वार्तिक होते। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वार्तिक है और कौन सा वार्तिक का व्याख्यान है। तो ये वार्तिक मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक वार्तिक के साथ साथ वार्तिक का व्याख्यान भी है, और वो व्याख्यान उसी को वार्तिक कोई अलंकृत करता है, अलग से नया नहीं है, उसी की शोभा बढ़ाता है, और वो थोड़ा सा विस्तृत है इसलिए उसका नाम भाष्य भी है।
तत्वार्थ वार्तिक में दो चीज है, एक वार्तिक और एक भाष्य। श्लोक वार्तिक में दो चीज है, वार्तिक और भाष्य, और तत्वार्थ सूत्र सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति है। सबसे छोटा हो अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतु मत तथ्यम सूत्र मित्युच्यते बुधई। ये धवला ग्रंथ में सूत्र की परिभाषा आई है, सबको याद होनी चाहिए, इतनी प्यारी है कि गजब की परिभाषा है। इस पर मैंने एक लेख लिखा है, सूत्र के 32 दोष। सूत्र किसे कहते हैं, धवला में परिभाषा कितनी सुंदर दी। तो सो जो सार गर्भित हो, कम शब्दों में अधिक कहता है, अल्पाक्षर असंदिग्ध सारवत गूढ़ निर्णय निर्दोष हेतु मत और तथ्य पूर्णम भवति तत्सूत्रम भवति, वो सूत्र होता है। अब ये सूत्र के बाद जो सूत्र को पर जो हल्की टिप्पणियां दी जाती है, संक्षिप्त स्पष्टीकरण किया जाता है, उसका नाम होता है वृत्ति। उसको और विस्तार देने का प्रयास किया जाता है तो वो वार्तिक, और उसको और विस्तार दिया जाता है तो उसका नाम भाष्य, और उसका और विस्तार दिया जाए तो ये महाभाष्य। ये असल में जीवों के रुचि, उनकी योग्यता के अनुसार, काल के अनुसार धीरे धीरे विस्तार की जरूरत पड़ती है। अब उस महाभाष्य से भी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही तो उस पर प्रवचन करने पड़ रहे हैं, उस पर लंबे लंबे व्याख्यान करने पड़ रहे हैं, और वो प्रवचन भी छपाने पड़ रहे हैं, और कोई प्रवचन नहीं छप रहा तो उस प्रवचन पर भी प्रवचन हो रहे हैं। क्या होगा आगे पता नहीं, कैसे लोग समझेंगे। और लोग पहले सूत्र से ही सब समझ लेते थे, तो ऐसे करके ये सूत्र पर वार्तिक और भाष्य है। अब जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें दो चीज है, वार्तिक प्लस भाष्य। वार्तिक के बारे में एक बात और कहकर आगे बढ़ता हूं, वार्तिक दो तरह के होते हैं। बहुत लोगों को ध्यान नहीं होता तो विवाद होता है, वार्तिक दो तरह के होते हैं, गद्यात्मक वार्तिक भी होते हैं और पद्यात्मक वार्तिक भी होते हैं। अकलंक आचार्य ने जो वार्तिक लिखे हैं वे गद्यात्मक हैं, विद्यानंद आचार्य ने जो वार्तिक लिखे हैं वे पद्यात्मक हैं, श्लोक रूप, इसलिए उसका नाम रखा तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। क्या फर्क है दोनों ग्रंथों में, इसका नाम है तत्वार्थ वार्तिकम और विद्यानंद स्वामी के ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम, वो श्लोक रूप वार्तिक है। देखो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है पहला पन्ना तत्वार्थ वार्तिक का, इसमें ये जो साइड में मोटे मोटे काले अक्षर में लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये वार्तिक हैं, और इसके बाद आगे जो बोल्ड नहीं है, नॉर्मल अक्षर हैं, वे है उसका भाष्य, वो है उसका। हाँ, ये जो नीले रंग से आपको हाईलाइट करके संदेश जी दिखा रहे हैं वो वार्तिक है, और पीले रंग से जो हाईलाइट करके दिखा रहे हैं वो भाष्य है। तो ऐसे इसमें दो चीज है, और दोनों के लेखक ज्यादातर अलग अलग होते हैं। ये भी सुनो, एक आचार्य वार्तिक लिखकर चुप हो जाता है, सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति है, वो लिख करके चुप हो गए, लेकिन बाद में जरूरत पड़ती है, बहुत दिन बाद में, तब उसकी दूसरी टीका लिखी जाती है, उसका विस्तार वार्तिक भाष्य महाभाष्य किया जाता है। लेकिन यहाँ तो आचार्य अकलंक खुद दोनों ही लिख रहे हैं। अनेक आचार्यों ने स्वोपज्ञ टीकाएं लिखी है, जैसे विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी तो साथ में उसकी टीका भी खुद ही लिख गए,
कि उसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। तो इसलिए हमारे सामने ये तत्वार्थ वार्तिकम बहुत ही अत्यंत उपयोगी, जिसमें जिन शासन के सारे विषय आ गए। तत्वार्थ वार्तिकम की एक और विशेषता है कि हमने 5 ग्रंथ बाकी के हैं, वे सब तो केवल प्रमाण मीमांसा के हैं। 5 ग्रंथ तो केवल प्रमाण मीमांसा के हैं, लेकिन तत्वार्थ वार्तिकम ऐसा है कि जिसमें प्रमाण मीमांसा भी है, जगत मीमांसा भी है, जीव मीमांसा भी है, ईश्वर मीमांसा भी है, तत्व मीमांसा भी है। दर्शन शास्त्र का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। प्राय दार्शनिक जिन जिन विषयों की चर्चा करते हैं, वे सब विषय इस ग्रंथ में पाए जाते हैं, इवन प्रमाण मीमांसा भी। इसमें तत्वार्थ वार्तिक पूरा ही स्वाध्याय करने योग्य है। तत्वार्थ वार्तिक तो शुरू से अंत तक पूरा स्वाध्याय करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, उपलब्ध भी है, और हमारे भाग्य से बहुत सुंदर अनुवाद भी इसके उपलब्ध हैं। एक अनुवाद महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी का है, और एक और मुझे नाम भूल रहा हूँ, माता जी का है। एक माता जी ने भी इसका बहुत अच्छा, भी नाम याद आएगा मुझे, उन माता जी ने भी इसका बहुत अच्छा पूरा अनुवाद किया है। 2 हमारे पास में बहुत बढ़िया इसके हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। तो ये तो तत्वार्थ वार्तिक, तो मैं तत्वार्थ सूत्र के बारे में कहता रहता हूँ कि जैसे प्रत्येक जैन को जीवन में एक बार सम्मेद शिखर जरूर वंदना करनी चाहिए, ऐसे ही जीवन में तत्वार्थ वार्तिकम अवश्य से अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें सब आ गया, कोई सारे जैन ग्रंथों का सार इसमें है। कोई विषय, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है, सबके बीज इसी में भरे पड़े हैं। हर विषय के बीज, आपको कोई विषय ऐसा नहीं मिलेगा। मैं कभी कभी ऐसे कहता रहता हूं ना कि इसका जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, इसकी व्याख्या आपने सुनी होगी मेरे से। तो मैं एक वाक्य ये भी बताता हूँ कि इसके 4 चरणों में 4 अनुयोग है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये प्रथमा अनुयोग है। भित्तारम कर्म भूव्रताम, ये कर्णानुयोग है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये द्रव्यानुयोग है। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये चरणानुयोग है। जिनवाणी 4 अनुयोगों में ही विभाजित है, और इस एक ही श्लोक में मानो 4 अनुयोग भर दिए। तो तत्वार्थ वार्तिक तो ग्रंथों का भी ग्रंथ है, हजारों लाखों ग्रंथों का ये आधार है, उपजीव्य है। इसलिए इसका स्वाध्याय तो अवश्य से अवश्य करना ही चाहिए। तो हम इस तत्वार्थ वार्तिक को, मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय देते हुए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेरी इच्छा ऐसी है कि कम से कम इसका पहला जो सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, हम कम से कम एक सूत्र पूरा पढ़ ले। भले 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे तो लगा जाए, लेकिन बहुत बढ़िया उसकी महिमा है। और उन आपको क्या इस राजवार्तिक की प्रकृति है, और क्या अकलंक आचार्य की बात कहने की पद्धति है, वे बात को कैसे कहते हैं, क्या उनकी पद्धति है खुलासा करने। देखो, कोई वक्ता कैसे चीजों को समझाता है, इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। वो समझता भी है वैसे तो। अकलंक जैसे महान आचार्य चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं,
इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा पढ़ने का साहस नहीं हो रहा है पूरे ग्रंथ को, तो इसलिए सोचा कम से कम अपन मंगलाचरण पढ़ के छोड़ रहे थे सब ग्रंथों के, इसका कम से कम एक सूत्र के वार्तिक वार्तिक तो थोड़े से पढ़ें। अभी इसका मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं। प्रणम्य, प्रणम्य माने प्रणाम करके, प्रणम्य ल्यप प्रत्यय से बनता है, नम धातु में प्रय उपसर्ग लगाकर। प्रणम्य सर्व विज्ञान, मैं उनको प्रणाम करके, किनको प्रणाम करके, जो सर्व विज्ञान महास्पद हैं, सर्व विज्ञान के, सर्व विज्ञान माने सर्वज्ञता, जो सर्वज्ञता के महान स्थान है, आस्पद माने स्थान, जो सर्वज्ञता के महान स्थान है, उरु श्रियम, उरु माने उत्तम, उत्तम लक्ष्मी के धारक है, उरु श्रियम, श्री माने लक्ष्मी। देखो श्री पर भी मैं बहुत देर चर्चा कर सकता हूं, कभी किसी ने सुना भी होगा, मैं जैन इकोनॉमिक्स, जैन अर्थशास्त्र पर कभी व्याख्यान करता रहता हूँ, किसी ने सुना होगा तो इसमें बहुत बातें बताता हूँ। श्री माने क्या, आज बिल्कुल सब रुपए पैसे को ही श्री समझते हैं, लेकिन वास्तव में श्री धन लक्ष्मी इनको प्राचीन समय में रुपए पैसे से बहुत कम जोड़ा जाता था, रुपया पैसा श्री नहीं है, श्री से ये तो कारण में कारण में कारण में कारण में कारण, बहुत लंबा चौड़ा दूर जाके उपचार है, जिसे आज हम तो केवल रुपए को ही श्री समझ रहे हैं। और ये अद्भुत श्री शब्द की व्याख्या कभी पढ़ेंगे करेंगे चर्चा करेंगे तब पता चलेगा, इसीलिए यहाँ उरु शब्द लगाया। उरु शब्द का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम लक्ष्मी के धारक हैं। तुम जैसी लक्ष्मी दुनिया के खासकर हम बनियों ने समझ रखी है वो लक्ष्मी नहीं, प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मसं वीरम वक्षे तत्वार्थ वार्तिकम। और निर्धूत कल्मसं, ये भी बहुत, अब इस शब्द पर 1 घंटे 2 घंटे बोला जा सकता है। वो उन्होंने उन्होंने सामंत भद्राचार्य ने भी यही शब्द काम में लिया है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। ये निर्धूत शब्द बहुत काम का है, निर्धूत कलमस से एक शब्द में सातों तत्व भरे हैं, अगर कोई चाहे तो निर्धूत कलमस में से पूरी सप्त तत्व मीमांसा निकाल सकता है, इसका मतलब कलमस है, ये भी सिद्ध हो गया। और कलमस किसी पर चढ़ा हुआ है ये भी सिद्ध हो गया, और कलमस धोया जा सकता है ये भी सिद्ध हो गया। तो 2 चीज सिद्ध हो गई, एक कलमस और एक कलमस जिस पर चढ़ा हुआ है, 2 तत्व है। फिर वो कलमस चढ़ता भी है तो आश्रव बंध बन गए, और वो उतरता भी है तो संबर निर्जरा बन गए, और सारा उतरेगा तो मोक्ष भी बनेगा, और कलमस धोया जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो स्वयंभू स्तोत्र में 20 बार लिखा है, ऐसा 20 बार ऐसा लिखा है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, अपने दोषों को धो करके अपने दोषों को धोया जा सकता है, आत्मा को धोया जा सकता है। जैसे हम वस्त्र धोते हैं, शरीर धोते हैं, हम सब चीजें धोते हैं, अपनी आत्मा को भी धोया जा सकता है। और वीर और कोई नहीं है, जिस आत्मा ने अपने कलमसों को धो लिया वही वीर है। तो बहुत देखो क्या मंगलाचरण है, तो
प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियम् निर्धूत कल्मसं वीरम वक्षे तत्त्वार्थ वार्तिकम्। मैं सर्वज्ञता के स्थान उत्तम लक्ष्मी के धारक और निर्धूत कल्मस वीर को प्रणाम करके तत्वार्थ वार्तिक कहता हूं कहूंगा। सर्व विज्ञान महास्पद कहकर सर्वज्ञता आ गई। उरुश्रियम उत्कृष्ट लक्ष्मी समव शरण रूप लक्ष्मी कहकर उनकी हितोपदेशिता आ गई और निर्दूत कलमसम कहकर वीतरागता आ गई। वीतरागता सर्वज्ञता और हितोपदेशिता तीन बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। वे तीनों गुणों की ओर यहाँ संकेत है। और वीर वीर शब्द का भी जब टीकाकार अर्थ करते हैं तो दोनों अर्थ लेते हैं। वीर शब्द का अर्थ एक तो अभी बताया कि 24वें तीर्थंकर हमारे वर्तमान तीर्थ नायक वर्तमान शासन नायक, एक तो ये अर्थ। दूसरा अर्थ जितने भी तीर्थंकर हैं वे सभी वीर हैं, सभी वर्धमान हैं, सभी सन्मति हैं। तो वीर का अर्थ सभी अर्यंत सभी आप्त वो भी लिया जाता है। अब देखो इनके कुछ वार्तिकों का स्वाद चखते हैं। अब वो कैसे ग्रंथ प्रारंभ करते हैं देखो। श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा आत्म द्रव्य प्रसिद्धे। देखो कैसे बात शुरू करते हैं। श्रेयो मार्ग की प्रतिपित्सा, प्रतिपित्सा माने प्रतिपादन करने की इच्छा। देखो शब्द देखो प्रतिपित्सा कैसे बनता है, जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है, ऐसे ही प्रतिपादन करने की इच्छा को प्रतिपित्सा कहते हैं। संस्कृत में की इच्छा के लिए अलग शब्द नहीं है, एक सनंत प्रक्रिया चलती है। जैसे जीतने की इच्छा को जिगमिसा कहते हैं, जीने की इच्छा को जिजीविसा कहते हैं, मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। सनंत प्रत्यय लगा लगा कर खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ऐसे ही प्रतिपित्सा, प्रतिपित्सा माने प्रतिपादन करने की इच्छा। श्रेयो मार्ग को प्रतिपादन करने की इच्छा आत्मद्रव्य प्रसिद्धे। कोई मानो प्रश्न कर रहा था कि आपने सबसे पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों कर दी, ये भूमिका बन रही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है सूत्र की, कि आपने सबसे पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों शुरू कर दी। तो वो कहना पहले आपको जीव की सिद्धि करो, पहले आत्मा की सिद्धि तो करो। कोई चारवाक मानो कह रहा होगा कि आप महाराज क्या आप सबसे पहले मोक्ष मार्ग की बात करने बैठ गए, पहले ये तो बताओ आत्मा भी है कि नहीं है। तो कह रहे हैं यदि आत्मा नहीं होता तो मेरे कल्याण की क्या मार्ग है, ये इच्छा कभी किसी को पैदा ना समझने की होती ना समझाने की। मोक्ष मार्ग क्या है ये समझने और समझने समझाने की जो इच्छा लोक में होती देखी जाती है श्रोताओं को और वक्ताओं को, इससे सिद्ध होता है कि आत्मद्रव्य तो प्रसिद्ध ही है। आत्मद्रव्य की सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध जीव को मोक्ष मार्ग की इच्छा होती है ये सिद्ध करता है कि आत्मा है। उसमें क्या उसको क्यों लिखते, वो तो सिद्ध ही है। और कैसे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया वार्तिक इसमें आ रहे हैं। चिकित्सा विशेष प्रति आप देखो इनको इंची टेप लेके नापोगे
तो आपको एक एक इंच, दो दो इंच, तीन तीन इंच के वाक्य, जरा जरा से एक एक शब्द के वार्तिक हैं, एक एक शब्द के। ये श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सात्म द्रव्य प्रसिद्धे, कैसे जरा सा देव संधि कर दी तो एक ही पद दिखाई दे रहा है, यद्यपि दो पद हैं, ये एक पद जैसे दिखते हैं। चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत, जैसे चिकित्सा के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब है कि कोई चिकित्सक भी है और चिकित्सा कर, अब देखो चिकित्सा कर तुम इच्छा चिकित्सा, प्रतिपित्सा जैसा ही चिकित्सा शब्द है, सब इससे संस्कृत का इनका भी बड़ा अच्छा ज्ञान हो सकता है। चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत सर्वार्थ प्रदानत्वात, बोले क्यों मोक्ष मार्ग की चर्चा की आपने सबसे पहले, माने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आप ग्रंथ शुरू कर रहे हो, हम बच्चे हैं पढ़ने बैठे हैं, आज हम पहले दिन आपकी क्लास में बैठे हैं और आप शुरू हो गए मोक्ष की बात करने, कोई और बात करते ना महाराज, पहले आप कोई और बात करते, आप तो पहले ही दिन हमसे मोक्ष की बात शुरू कर दी। तो वो कह रहे सर्वार्थ प्रधानत्वात, ये सभी अर्थों में प्रधान वस्तु, हम आपको दी बेस्ट देंगे। आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं सबसे पहले आपको सर्वोत्तम वस्तु दिखाऊंगा, आपके खरीदने की हैसियत नहीं होगी तो बाद में हल्की दिखाएंगे, लेकिन पहले तो मैं बढ़िया ही माल दिखाऊंगा। तो मोक्ष की बात इसलिए की कि सर्वार्थ प्रधानत्वात, तो बोले सर्वार्थ प्रधानत्वात का क्या मतलब हुआ महाराज, कि मोक्षोपदेश है पुरुषार्थ प्रधानत्वात इति चेत। देखो कुछ वार्तिक प्रश्नोत्तरात्मक है, शंका समाधानात्मक है, कि क्या कहना, क्या कहा महाराज आपने कि मोक्ष का उपदेश इसलिए किया है कि वो चारों पुरुषार्थ में से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में से प्रधान है, इसलिए इसलिए आपने किया, तो फिर आप मोक्ष की बात करते ना, चार पुरुषार्थों में भी प्रधान तो मोक्ष है, चलो हमने आप देखो बात को पकड़ रहा है, तो फिर मोक्ष की करते, मोक्ष मार्ग की क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया मोक्ष मार्ग की बात इसलिए कर रहे हैं, जिज्ञास मानार्थी प्रश्नापेक्षी प्रतिवचन सद्भावात, के जिज्ञासु ने वो ही पूछा है, उसने मोक्ष नहीं पूछा, उसने मोक्ष का मार्ग पूछा है, पूछने वाले पर हमारा बस नहीं चलता, उसने मोक्ष का मार्ग पूछा है। अभी इसमें और बहुत सारी सुंदर सुंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ मेरे चिंतन की है वो भी मैंने छोड़ दी है, और कुछ इस वार्तिक और भाष्य में लिखी है वो भी मैंने आज अभी छोड़ दी है, उनकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आप लोग सुनाओ, आनंद आया हो तो बताओ, क्या नई बात समझ में आई राजवार्तिक में आज आपको, थोड़ी दो बात आप भी मुझे सुनाए करो, अभी मैं तो लोभी हूं। हाँ देख प्रकार अभी हम अतुलंक देव की एक बहुत अद्भुत कृति राजवार्तिक तत्वार्थ राजवार्तिक, उसके कुछ पंक्तियों को कुछ शब्दों को हमने यहाँ से वाचन किया सुना, उसमें वाकई कितना कम शब्दों में कितनी बड़े बड़े हेतु और कितने बड़े बड़े कारण हर चीज के हमें पढ़ने में आ रहे हैं। इस बारे में किसी का कोई विचार हो तो आप लोग रख सकते। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। हाँ सुनाओ साहब। ये बड़ा सुंदर दिया अकलंक देव ने, वृत्ति में पांचों मतलब हेतु दे दिए, पंचमी विभक्ति आई हुई है सब में वृत्तियों में, तो इन्होंने कितना हेतु से एक ही लाइन तीन चार शब्दों में सारा बता दिया मूल उसका। वाह संक्षेप में एकदम से समझ आ जाता है कि क्या। गागर में सागर,
और हेतु देने से सारा विषय क्लियर हो जाता है, मेन तो हेतु ही है। हाँ, हेतु दे रहे, ठोस बात, ठोस बात, गजब। और एक नहीं अनेक। और एक बात आपसे पूछनी थी, जैसे आपने बताया सूत्र वृत्ति वार्तिक भाष्य में उत्तर उत्तर विस्तार होता जाता है, हाँ। तो इस तरह से ये टीका टिप्पणी और टिप्पण, ये तीन में क्या अंतर है और कहाँ पर स्टैंड करते हैं? ये भी इनके ही मध्य में आते हैं। अच्छा। सूत्र से बड़ी वृत्ति होती है। हाँ जी। वृत्ति से बड़ा वार्तिक माना जाता है और वार्तिक से बड़ी टीका मानी जाती है, टीका से बड़ी भाष्य माना जाता है, अच्छा, टीका से बड़ा भाष्य, बड़ा महाभाष्य। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, मुझे मिलेगा तो मैं फिर से भेजूंगा। पहले ग्रुप पर डाला था कि सूत्र वृत्ति वार्तिक ये ग्रंथों का कला पक्ष है। ग्रंथ कैसे कैसे ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों का ये बाहरी रूपाकार की अपेक्षा उनके नामकरण है। और ये टिप्पणी और टिप्पण, ये दो में क्या अंतर है? हाँ, टिप्पण और टिप्पणी अलग होती है। टिप्पण और टिप्पणी तो इतनी सी होती है, जैसे न्याय दीपिका में किसी किसी शब्द पर जरा सा खुलासा कर देते हैं, केवल ये बता देते हैं कि इसका भाव साम्य यहाँ है, यहाँ इसका मीनिंग ये ले लेना, ऐसे बस जरा सा कहीं कहीं कुछ कुछ, जरूरी नहीं। सात 415 गाथाएं हैं तो हो सकता है 200 पर ही कोई टिप्पण लगाए, जो सुगम होती है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और कोई कोई शब्द पर ही केवल टिप्पणी लगाई जाती है, बस उसका विशेष अर्थ, उसका विशेष अर्थ हो गया, विशेष अर्थ हो गया, कहीं भ्रांति कोई ना हो जाए तो जरा सा खुलासा कर देते हैं, बस जरा सा लिख देंगे कि ये शब्द यहाँ पर तमिल भाषा का आ गया है, बस ऐसे कुछ जरा सा। तो आचार्य देव ने इसमें सूक्ष्म रुचि वालों का और विस्तार रुचि वालों का दोनों का ध्यान रखा है, इसलिए षटखंडागम पर टिप्पण भी बहुत लिखे गए थे। षटखंडागम पर टीका बाद में लिखी गई, पहले चूर्णी भी एक होती है। हाँ जी, चूर्णी भी सुना उसने। कई रूप होते, तिलोय पर्णतिकार ने भी चूर्णियां लिखी थी कई, तो ऐसे कुछ काम हुए है बहुत सारे। जैसे जैसे समझ में आ जाए, अपन अपने नोट्स बनाते हैं ना, समझने समझाने की प्रक्रिया है ये। आचार्य देव ने सूक्ष्म रुचि वालों का, विस्तार रुचि वालों का दोनों का ध्यान रखा है, इसलिए उन्होंने वृत्ति भी दे दी। सबका रखा है, मध्यम रुचि वाले का भी, सबको, नाना जीवा, सबको जैसे समझ में आ जाए, कोशिश की है, खूब कोशिश की है। ये बड़ी 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 विशेषता है ये भी कि हर प्रकार के ध्यान रखा सबका ही। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया है। न्याय शैली में तत्वार्थ सूत्र को प्रस्तुत किया है, और जो माता बीच में आया था, सुपार्श्वमती माता जी हैं। हाँ हाँ हाँ, सुपार्श्वमती माता जी ने इसका राजवार्तिक का अनुवाद किया है, बहुत बढ़िया वो भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक अपन बड़े परेशान थे, ग्रंथों के अनुवाद नहीं मिल रहे, जो देखो वो ना मिले। हालांकि मुझे अभी आज सुबह एक शुभ सूचना मिली है कि किसी ने सिद्धि विनिश्चय और न्याय विनिश्चय का अनुवाद किया है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। वो पूरी जानकारी मुझे अभी नहीं मिली है, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है, वो कल तक पूरी जानकारी आएगी तब आपको बताऊंगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर राजवार्तिक का तो दो दो अनुवाद अपने पास उपलब्ध है, और राजवार्तिक अध्यात्म का बहुत अच्छा, अध्यात्म दर्शन तत्व मीमांसा का प्रयोजन भूत ग्रंथ है, इसलिए मैं उसको और ज्यादा प्रेरणा देने का भाव आ रहा है कि वो तो सबको, लोग न्याय ज्यादा कैसे पढ़े, बहुत गहराई में कैसे जाएं, अकलंक की देन के 22 बिंदुओं को जो समझ जाएगा वो तो बहुत बड़ा महापुरुष है, वो तो प्रणम्य है, मगर ये राजवार्तिक तो कम से कम समझे। बहुत अच्छा, सुनील जी भी हैं हमारे साथ, संदेश भैया देखो तो क्या कुछ सुना रहे। भाई साहब जय जिनेंद्र।
जिनेंद्र सुनाओ साहब। जोरदार टॉनिक आज आपने राजवार्तिक का खिलाया, बड़ा आनंद आया। हाँ एक वार्तिक में दूसरा वार्तिक, दूसरे में से तीसरा, ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये बहुत गजब की है। सब उसमें जुड़ रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से, इंटरलिंक्ड से इंटरकनेक्ट हैं सब सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये राजवार्तिक के ऊपर भाई साहब, इससे पहले भी एक बार बात हुई थी अपनी कक्षा में, बात हुई थी। लगभग 100 या 150 पेज का अभी उन्होंने 32 एक वार्तिकों का हूबहु बहुत सुंदर हिंदी में अनुवाद करके, ये स्वयं प्रभा जी जो है सांगली से, हाँ उन्होंने किया है, उन्होंने अभी किया है वो। दरबारी लाल जी कोठिया इन्होंने उसका क्या कि एज इट इज हिंदी में अनुवाद नहीं मिलते हैं वार्तिकों के, हाँ व्याख्या मिलती है लेकिन वार्तिकों की शब्दशः अनुवाद नहीं मिलते हैं। हाँ अब चल रहा है वो, सब चल रहा है भाई साहब, वो अभी 32 एक वार्तिकों का अनुवाद हुआ है, बहुत सुंदर सटीक किया है और उसके लिए आदरणीय भाई साहब का भी संपर्क उन्होंने किया था स्वयं प्रभा जी ने। तो मेरे कक्षा में साथ में थे भाई साहब हम लोग। अच्छा तो मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, मैं अभी वो संदेश को भेजता हूँ। तो बहुत सुंदर अनुवाद किया है और जोरदार है वो, मतलब उसका लाभ भी सब अपन लोग ले सकते हैं। एक बात भाई साहब समझ में नहीं आई कि चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ मुख्य है, लेकिन वो वार्तिक में कहा ना कि पूछने वाला मोक्ष के बारे में नहीं पूछता है, पूछने वाला मार्ग के बारे में पूछता है। अभी अभी इसका कल बहुत इसमें कुछ बात थी बड़ी अच्छी, समय कम था इसलिए नहीं छेड़ी मैंने। नहीं नहीं बराबर बराबर, समय कम था इसलिए छेड़ी नहीं, ये बहुत बढ़िया बात इसमें आने वाली है। इनकी बात को पकड़ा उसने, आचार्य देव ने कहा कि भाई हमने, उसने कहा आप सबसे पहले मोक्ष की बात क्यों कर रहे हो, हमारा तो आज स्कूल का फर्स्ट डे है। उन्होंने कहा तुम्हारा फर्स्ट डे है इसीलिए तो हम आपको टॉप की चीज दे रहे हैं, हमारे पास में जो दी बेस्ट माल है, चार पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बात बता रहे हैं। तो वो दूसरा प्रश्न पूछता है तो फिर मोक्ष की बताते ना, मोक्ष मार्ग की क्यों, उसने दो में भेद कर दिया, मोक्ष और मोक्ष मार्ग में उसने भेद कर दिया। ये सब कलाकारी शिष्य के मुंह में शंका और जिज्ञासा के रूप में आचार्यों की कलाकारी है। हाँ बहुत सुंदर। और पुरुषार्थ सिद्धि पाए वाली बात भाई साहब दिमाग में घूम गई, यदि हम जैसे सामने वाला जिज्ञासु वो मुनि धर्म की पात्रता को लेके आया हुआ है और उसे यदि श्रावक धर्म का उपदेश दे करके संतुष्ट कर दिया जाए तो उपदेश देने वाला गुरु वो दंड का पात्र है। गजब है गजब है गजब, ये वाली बात आप कह रहे थे जब याद आ रही थी, हम गजब है गजब देंगे। गजब है बहुत बढ़िया, हम तो बढ़िया माल, वही दुकानदार का भी उदाहरण है ना, की भी तो कुछ प्रतिष्ठा है जी, जी, जी। अब हमारे यहाँ हल्का माल नहीं रखते हम, टॉप का रखते हैं, लेकिन हमारी जेब में पैसे नहीं हो, तुम्हारी शक्ति नहीं हो तो व्यापार हमें करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कोई थोड़ा सेकंड लाते हैं, फिर क्या करें, दूसरा दिखाएंगे। ये जो भाई साहब बंद अधिकार में अध्यवसान का जो प्रकरण है ना 40 एक गाथाओं में, हाँ 271-72 निश्चय नयास्त्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, 272 नंबर की गाथा। तो उस गाथा के व्याख्यान में वो बराबर परिश्रम पर्व के दिनों में गाथाएं चल रही हैं वहां सोनगढ़ में। तो गुरुदेव ने एक सेठ का नाम लेकर के बोला कि भाई देखो दाल रोटी तो तुम रोज ही खाते हो, वाह कम से कम इन दिनों आराधना के दिनों में तो माल माल खाओ। ऊंची से ऊंची वस्तु को तुम अपनाओ, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, वो वाली बात है ये। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है भाई साहब सिद्धि विनिश्चय का, न्याय विनिश्चय का, लघी अस्त्र का, बहुत सुंदर सुंदर कक्षाएं हुई है। मैंने अभी पिछले सप्ताह में दो एक सप्ताह में दो तीन तीन बार वो कक्षाएं सुनी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, चलो संदेश भैया बहुत बढ़िया। मैं ये सोच रहा कि ये जो वार्तिक आचार्य ने लिखे हैं उनके सामने सिर्फ तत्वार्थ सूत्र था जो कि संक्षिप्त कृति है, तो किसी चीज को लेकर उनका कितना बड़ा चिंतन और सोच
उनके विचार कितने चलते होंगे, तब जाके उन्होंने, मैं देख रहा था 75 वार्तिक उन्होंने पहले सूत्र पर लिखे हैं, सिर्फ पहले सूत्र पर सम्यक दर्शन प्राणी मोक्ष मार्ग, इस पर 75 वार्तिक, और 75 वार्तिक की भी व्याख्या लिखी है। वास्तव में उनकी सोच, उनका चिंतन धन्य है ऐसे आचार्य, मतलब अपने गुरु की बात को कितनी गहराई से उन्होंने चिंतन किया होगा। तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, आदरणीय भाई साहब की कक्षा सुनते हैं और भी जितना सब सुनते हैं, तो उनका बताना और हमारा चिंतन करना, हमारा सोचना, अपना विचार होना कितना आवश्यक है, इसकी प्रेरणा भी हमें इससे मिलती है। उन्होंने एक छोटे से 3 शब्द के सूत्र की कितनी बड़ी व्याख्या उन्होंने की है, तो उनका चिंतन विचार वास्तव में धन्य है। ऐसे हमें भी बहुत सारी प्रेरणाएं इन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भी सीखने मिलती हैं। हम भी इस जैन दर्शन के एक अद्भुत ग्रंथ तत्वार सूत्र और तत्वार सूत्र की एक अमूल्य टीका तत्वार्थ राजवार्तिक, हमारे भाग्य से इतनी बड़ी टीका आज हमारे पास उपलब्ध है। हम इसको अपनी बुद्धि प्रमाण, समय प्रमाण, अवश्य इसका अध्ययन स्वाध्याय करें। इसी भावना के साथ अशोक जी कुछ कह रहे हैं, अशोक जी विराम लेते हैं। अशोक जी कुछ कह रहे हैं, सुनो ना जी। जय जिनन भाई साहब। हाँ बताओ साहब। भाई साहब, मोक्ष मार्ग से नेतारम में 4 अनियोग घटा के धन हो गए। अरे क्या पहली बार सुना ये तो हमने। अच्छा, एक क्षण में 4 अनियोग भाव निकल रहे हैं उसमें। बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।